हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें, जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कांग्रेस पर राजनाथ का फिर एक बार तीखा हमला। कहा राहुल गांधी ने हमारी सेना के पराक्रम पर उठाए हैं सवाल, ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर भारत के खिलाफ फिर साजिश रच रहा है पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, इस रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा, आप भी जानकर चौंक जाएंगे। दोस्तों बताएंगे क्या है बड़ी खबर, क्या वाला था पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, साथ ही जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, बताएंगे क्या है खबर। और दोस्तों बताएंगे कैसे पाकिस्तान के पीएम इमरान खान पहुंचे चाइना, उसके बाद चीन की ये मदद आगे चलकर कैसे भारी पड़ने वाली है पाकिस्तान को। दोस्तों और रूस यूक्रेन से जुड़ी अभी की सबसे लेटेस्ट खबर निकल कर सामने आ रही है, बताएंगे क्या स्थिति है युद्ध की। और दोस्तों भाजपा की स्टार प्रचारक बबीता फोगाट के काफिले पर मेरठ में बड़ा हमला हुआ है। दोस्तों बताएंगे क्या है लेटेस्ट खबर, और साथ ही उससे भी बड़ी खबर बताएंगे, जहां बीजेपी का मैनिफेस्टो आने से पहले अपर्णा यादव ने बड़ा खुलासा किया है। दोस्तों योगी सरकार बनी तो सबसे पहले ये काम करने वाली हैं अपर्णा यादव। जी हां दोस्तों, साथ ही जितने भाई और बहनों ने ईश्रम पोर्टल पर दोस्तों ईश्रम कार्ड के लिए अप्लाई किया है, उनके लिए कब तक आएगी ₹1000 की अगली किस्त को लेकर बड़ी जानकारी निकल कर सामने आई है। दोस्तों तो हर तरह की अभी हम आपको जानकारी देने वाले, तो आराम से बने का वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना तो अपना देश गर्व से जी रहा है, और आपको भी भारतीय होने पर शान है, गर्व है। दोस्तों मानते हैं अपना भारत नंबर वन देश है और भारत जैसा कोई नहीं। तो फटाफट से इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां कांग्रेसी पर राजनाथ का तीखा हमला। कहा राहुल गांधी ने हमारी सेना के पराक्रम पर उठाए हैं सवाल, बर्दाश्त नहीं करूंगा। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को मथुरा पहुंचे। उन्होंने यहां बलदेव विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने गलवान घाटी का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेसी नेता राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधा है। दोस्तों रक्षा मंत्री ने कहा है कि चीन के सरकारी अखबार ने जो लिखा है उसे राहुल जी ने सही माना। हमारे सैनिकों के पराक्रम पर सवालिया निशान लगाते हुए राहुल ने जरा भी संकोच नहीं किया। उन्होंने बताया है कि ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार ने लिखा है कि गलवान घाटी में चीन के 38 से 50 जवान मारे गए थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आज भारत जो बोलता है उसे पूरी दुनिया कान खोल कर सुनती है। भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं। दुनिया की कोई ताकत भारत के मान सम्मान और स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचा सकती है। भारत की तरफ चोट पहुंचाना तो दूर, आंख उठाकर नहीं देख सकती है भारत के खिलाफ। ऐसे में आपको बता दे दोस्तों, राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांतों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जब कानून का शासन होगा तो विकास योगासन करेगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने हमारी सेना के पराक्रम पर सवाल उठाए हैं, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाला, और आने वाला वक्त राहुल गांधी को जवाब अवश्य देगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दे इतना ही नहीं, राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के और उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनको और चीन पर ज्यादा भरोसा है, हमारे भारतीय सेनाओं पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, आने वाला वक्त अवश्य बताएगा। आपकी क्या राय सुझाव होगी इस पर दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और राजनाथ सिंह के बात का क्या आप समर्थन करते हैं, हाँ या ना में जवाब देना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां भारत के खिलाफ फिर साजिश रच रहा पाकिस्तान, इस रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। जी हां दोस्तों, अशांत पाकिस्तान से भारत की शांति देखी नहीं जा रही है, इसीलिए वो फिर से साजिश रचने में जुट गया है। दोस्तों एक अमेरिकी रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान ने भारत में नफरत फैलाने, सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित करने और चरम पंथ को बढ़ावा देने के लिए अपनी पिछली रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान शांति भंग करने के लिए भारत के खिलाफ जिहादी गतिविधियों का समर्थन करता रहा है, और अब एक बार फिर वो अपनी पुरानी रणनीति पर अमल करते हुए नापाक मंसूबों को अंजाम देने में जुट गया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी थिंक टैंक हडसन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के सुरक्षा तंत्र ने दशकों से लक्षित जिहादी और खालिस्तानी समूहों का समर्थन करना शुरू कर दिया है। इस गतिविधि का फिर से शुरू होना भारत के साथ साथ अमेरिकी सुरक्षा तंत्र के लिए भी चिंता का विषय है। गौरतलब है कि जर्मनी में हालिया गिरफ्तारी भारत में चरम पंथ फैलाने के लिए इस्लामाबाद के समर्थन को दर्शाती है। पिछले साल दिसंबर
नवंबर में जसविंदर सिंह मुल्तानी को लुधियाना की अदालत में कथित रूप से विस्फोट करने के आरोप से में जर्मनी से गिरफ्तार किया गया था। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कहीं ना कहीं भारत में हर तरीके से नफरत फैलाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा था दोस्तों, और इसकी ये बहुत बड़ी साजिश थी कि भारत में एक दूसरों में लड़वाया जाए। जी हाँ दोस्तों, और इससे पहले यानी समय रहते हमारी भारतीय सेना और भारत की खुफिया एजेंसियों को इसकी बड़ी जानकारी होगी। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान यानी इमरान खान जिस प्रकार से भारत के खिलाफ ऐसी साजिश रच रहा था दोस्तों, इसका कैसे जवाब देना चाहिए भारतीय सेनाओं को कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या फिर भारत को एक बार सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कमेंट में बताना मत भूलिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें जहां पर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा के दो आतंकी ढेर। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शनिवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा के दो आतंकी मारे गए हैं दोस्तों, पुलिस ने यह जानकारी दी है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया है कि आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में मिली विशेष सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने रात में शहर के जकूरा इलाके में घेराबंदी करके तलाश अभियान शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि जब सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाश अभियान चलाया तभी वहां छिपे आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी कर दी। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें मुठभेड़ शुरू हो गई। अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए। ऐसे में ऑल द बेस्ट, कांग्रेचुलेशन BSF जरूर कह दीजिएगा इंडियन आर्मी को। अगली खबर की बात करें जहां इमरान की बीजिंग यात्रा बड़ी महंगी पड़ने वाली है दोस्तों, ये चीनी मदद आगे चलकर बहुत भारी पड़ सकती है पाकिस्तान को। कैसे, हम आपको बताते हैं। बीजिंग यात्रा पर गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान चीन की चिंताओं को दूर करने के लिए वहां एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। वहां से मिल रही खबरों के मुताबिक और अधिक आर्थिक मदद की आस लेकर बीजिंग गए इमरान खान चीन की हर मांग मांगने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। इस खबर को इसी सिलसिले में देखा गया है कि पाकिस्तान सरकार ग्वादर में लगे बिजली संयंत्र को प्राथमिकता के आधार पर हरी झंडी देने को राजी हो गई है। हरी झंडी मिलने से इस संयंत्र से बिजली की खरीदारी का रास्ता साफ हो जाएगा, उससे चीन की एक बड़ी मांग पूरी होगी। जी हां दोस्तों, ग्वादर प्लांट से बिजली चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को दी जाएगी। आपको बता दें चीनी परियोजनाओं पर निगाह रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने यह बड़ी आशंका जताई है कि ताजा समझौतों के साथ पाकिस्तान पर चीन का शिकंजा और कस जाएगा। इमरान खान की यात्रा से पाकिस्तान को आर्थिक मदद जरूर मिलेगी लेकिन ये आगे चलकर उसके कर्ज जाल में फंसने की वजह भी बन सकती है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में फिलहाल उत्साह का माहौल है, इसमें इमरान खान की यात्रा को उसका पूरा होने के पहले ही सफल बताया जाने लगा है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर बड़ी जानकारी, यानी कि दोस्तों मछली खुद जाल में फंसने के लिए बीजिंग गई है। आप क्या कहते हैं कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। लेकिन जिन भाई और बहनों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी मेहनत को सफल करने के लिए कृपया करके एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बात कर अगली खबर की जहां पर जेल में 5 साल सड़ेगा इमरान खान का दोस्त खालिस्तान समर्थक लॉर्ड नजीर, मोदी जी का चाहता था बुरा। बता दे पाकिस्तान में जन्मे ब्रिटेन की लेबर पार्टी पूर्व नेता लॉर्ड नजीर अहमद को यौन उत्पीड़न के मामले में 5 साल और 6 महीने जेल की सजा हुई है। एक ब्रितानी अदालत ने लॉर्ड नजीर को 2 बच्चों के साथ 1970 के दशक में यौन उत्पीड़न करने का दोषी पाया था। लॉर्ड नजीर ने एक बार PM मोदी के मौत की भी कामना की थी और अक्सर कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता था। यही नहीं, लॉर्ड नजीर ब्रिटेन में रहते हुए खालिस्तानी आतंकियों को भी अपना समर्थन देता था दोस्तों, अगर आप भी मानते बिल्कुल सही हुआ और यही होना चाहिए था। इसके साथ कमेंट में जरूर बताइएगा, आप लोग समर्थन करिएगा। अगली खबर की बात करें जहां एक और बड़ी कामयाबी मिली है भारत को दोस्तों, UAE में भारत को 29 साल बाद अरेस्ट हुआ मुंबई विस्फोटों का प्रमुख साजिशकर्ता। जी हां दोस्तों, खाड़ी देश संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय खुफिया एजेंसियों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। साल 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट का मोस्ट वांटेड आरोपी UAE में अरेस्ट हो गया है। इस आतंकी का नाम अबू बकर अब्दुल गफूर शेख है और उसने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में विस्फोटकों की ट्रेनिंग ली है दोस्तों। वो दाऊद इब्राहिम के दुबई स्थित घर पर रहकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा था। मुंबई ब्लास्ट में 257 लोग मारे गए थे और 713 लोग घायल हो गए थे। यानी कि दोस्तों भारत कामयाबी पर कामयाबी पा रहा है दोस्तों, और पाकिस्तान जैसे दोस्त जो भारत की बुराई करते थे और श्रीलंका भी बुराई करता था दोस्तों, आज उनके आप दिन देख ही रहे होंगे कैसे हो गए हैं दोस्तों और एकदम गर्त में चले गए हैं। अब भीख मांगने की इनको आवश्यकता पड़ गई है। अगली खबर की बात करें जहां पाकिस्तानी सेना और बलूच विद्रोहियों में 55 घंटे से जारी है भीषण
भीषण जंग खाने को तरसी वहाँ की जनता। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के पंजगूर शहर में 55 घंटे बीत जाने के बाद भी पाकिस्तानी सेना और बलूच विद्रोहियों के बीच भीषण मुठभेड़ अभी भी जारी है। दोस्तों बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना के फ्रंटियर कॉर्प्स के मुख्यालय पर अब भी बलूच विद्रोहियों का कब्जा बना हुआ है। पाकिस्तान ने इलाके में पूरी तरह से कर्फ्यू लगा रखा है। पिछले करीब 3 दिनों से चल रही लड़ाई की वजह से अब लोगों के घरों में राशन की कमी हो गई और वे परेशान है। इसी बीच बलूच विद्रोहियों ने 170 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा भी किया है। दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या बलूच विद्रोही पाकिस्तान के लिए काल बनकर आए हैं दोस्तों? और बलूच की जो मांग है पाकिस्तान को लेकर, क्या कहते हैं उनकी मांग, सही है या गलत, कमेंट में बताना मत भूलिएगा। लेकिन दोस्तों हम आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पाकिस्तान अब बहुत सारे आतंकी संगठनों के बीच घिर गया है। दोस्तों एक सबसे बड़ा आतंकी संगठन उसी के कंट्री में यानी पाकिस्तान में ही है, जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP है दोस्तों। और अगल बगल बलूच हो गए तालिबान, यहाँ तक कि अब पाकिस्तान को दरकिनार करने लगा है। दोस्तों क्या राय है आपकी, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें जहाँ पर खुद अमेरिका ने माना कि काबुल एयरपोर्ट हमले को रोक पाने में वो नाकामयाब रहे। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी रक्षा विभाग ने बड़ा खुलासा किया है कि अगस्त 2021 में काबुल से निकासी के दौरान 13 अमेरिकी लड़ाकू बलों और 170 अफगान निवासियों पर आत्मघाती बम हमला हुआ था। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक हमले में 20 पाउंड विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों खम्मा न्यूज एजेंसी ने अपने रिपोर्ट में बताया है कि अमेरिकी केंद्रीय कमान के प्रमुख फ्रैंक मैकेंजी ने कहा है कि रणनीतिक जांच के आधार पर वो 26 अगस्त के दौरान हुए हमले को रोक पाने में विफल रहे हैं। आप क्या कहते हैं दोस्तों? अगली खबर की बात करें जहां रूस ने ताइवान को माना है चीन का हिस्सा। जी हाँ दोस्तों, जो कभी नहीं कोई सोच सकता था वो होता नजर आ रहा है। दोस्तों जैसे ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन चाइना गए, दोस्तों उनके वक्तव्य और उनके बात करने का स्टाइल ही बदल गया। अब उन्होंने ताइवान को चीन का हिस्सा मान लिया है, उसकी आजादी का किया है विरोध। पुतिन ने शी जिनपिंग के सुर में मिलाए हैं सुर। जी हाँ दोस्तों, रूस ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पूरी दुनिया को एक बार फिर हैरान कर दिया है। दोस्तों उसने ताइवान को चीन का एक अविभाज्य हिस्सा माना है और उसकी किसी भी तरह की आजादी को खारिज कर दिया है। ये एक फैसला है दोस्तों जिसके बारे में अमेरिका सहित दूसरे पश्चिमी देशों ने उम्मीद नहीं की होगी। ताइवान को चीन का हिस्सा मानने के रूप में इस कदम की जानकारी शुक्रवार को रूस चीन की संयुक्त घोषणा में सामने आई है। बयान में कहा गया है कि रूसी पक्ष ने एक चीन सिद्धांत के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की है। ताइवान चीन का एक अविभाज्य हिस्सा और किसी भी तरह से वो ताइवान की स्वतंत्रता का विरोध करता है। तो दोस्तों आपने सुना कैसे रूस चाइना के कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में फंस गया है दोस्तों, और चाइना का साथ देते हुए उसके सुर में सुर मिला रहा है। और ताइवान, जिसे अमेरिका और बहुत सारे देशों ने एक देश माना हुआ है दोस्तों, यहाँ तक कि भारत भी उसको एज अ कंट्री ही देखता है, लेकिन दोस्तों रूस ने अब चाइना की इन बातों का समर्थन कर दिया है दोस्तों और चाइना का हिस्सा बता दिया है ताइवान को। क्या कहते हैं आप लोग, क्या है आपकी राय, सुझाव कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप भी मानते हैं कि पुतिन का माइंड वॉश कर दिया गया है चाइनीज द्वारा, तो कमेंट में बताइएगा जरूर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर सेमीकंडक्टर क्षेत्र में चीन को पछाड़ने के लिए विधेयक को मिल गई है मंजूरी। जो बाइडेन ने कहा हम इंतजार नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को नए कानून को मंजूरी देने के लिए अमेरिकी सांसदों की तारीफ की है दोस्तों, और कहा है कि इससे सेमीकंडक्टर उत्पादन व शोध के क्षेत्र में अमेरिका चीन को सीधा टक्कर दे सकेगा। उन्होंने कहा अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने आज एक महत्वपूर्ण विधेयक पर मतदान किया, इससे आपूर्ति श्रृंखला बढ़ेगी और कीमतें कम होंगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और इस क्षेत्र में रोजगार भी बढ़ेंगे। इससे 21वीं सदी में अमेरिका चीन और शेष दुनिया का इस क्षेत्र में मुकाबला करेगा। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहाँ पर बात करते हैं दोस्तों रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को लेकर। जहाँ भी की लेटेस्ट खबर ये है कि फ्रांस के बाद अब जर्मनी के नेता भी जाएंगे यूक्रेन और रूस और करेंगे इनके बीच बातचीत। बता दें फ्रांस के राष्ट्रपति और जर्मनी के चांसलर आगामी सप्ताह में रूस और यूक्रेन की यात्रा करेंगे। इस यात्रा से रूस और यूक्रेन को लेकर बढ़ते तनाव से निपटने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत करके इसका हल तलाशने के राजनयिक प्रयासों का बल मिलेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सोमवार को मॉस्को और मंगलवार को कीव की यात्रा करेंगे, जबकि जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज 14 फरवरी को कीव और 15 फरवरी को मॉस्को की यात्रा करेंगे। अगली खबर की बात करें जहां पर सलामी स्लाइसिंग तकनीक से पड़ोसियों की जमीन को कुतर रहा है चीन। LSC में बदलाव की कर
रहा है बड़ी साजिश। जी हाँ दोस्तों, चीन जो है वास्तविक नियंत्रण रेखा बोले तो एलएसी पर यथास्थिति को बदलने के लिए सलामी स्लाइसिंग तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है दोस्तों। इसमें वो आक्रामक एक्शंस के जरिए दूसरे दावेदारों का टेस्ट लेता है और फिर प्रतिरोध का सामना करने पर पीछे हट जाता है। चीन ने सलामी स्लाइसिंग तकनीक के तहत नेपाल और भूटान के सीमावर्ती इलाकों में कस्बों का विस्तार भी किया है। जी हाँ दोस्तों, बड़दंगली खबर की तरफ, जहाँ पर फिर एक बार बिगड़ी लता मंगेशकर जी की तबीयत। परिवार ने साधी चुप्पी, डॉक्टर ने बताया हालत क्रिटिकल है। जी हाँ दोस्तों, भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर पिछले 27 दिनों से मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट है दोस्तों। अस्पताल में लता जी का लगातार इलाज चल रहा है। खबर यह है कि लता जी की तबीयत फिर से बिगड़ गई है दोस्तों। बताया ये जा रहा है कि लता मंगेशकर जी अभी भी आईसीयू में है और डॉक्टर की निगरानी में रहेंगी। खबर ये भी है कि राज ठाकरे ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में लता मंगेशकर का हाल लेने पहुंचे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में गेटवेल सुन लता मंगेशकर जी, कमेंट में जरूर कह दीजिएगा दोस्तों आप लोगों की दुआएं। उनको जल्द से जल्द ठीक करके घर भेजेंगी तो कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां भाजपा की स्टार प्रचारक बबीता फोगाट के काफिले पर मेरठ में बड़ा हमला, जिसमें आरएलडी कार्यकर्ताओं पर मारपीट करने का लगा है आरोप, 5 घायल हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, भाजपा की स्टार प्रचारक व इंटरनेशनल रेसलर बबीता फोगाट के काफिले पर शनिवार को दबथुआ में हमला हो गया। बताया गया कि बबीता फोगाट घर घर प्रचार कर रही थी, इसी दौरान रालोद समर्थक लाठी डंडे लेकर उनके सामने आए और नारेबाजी करने लगे। आपसी विरोध के बीच विरोधियों ने मारपीट शुरू कर दी। बताया गया कि काफिले में शामिल कई लोग घायल हो गए। वहीं घटना को लेकर सरदनाथ थाने में तहरीर देने की तैयारी है। घायलों को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है। क्या आपकी राय दोस्तों, इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे दंगे विपक्ष पार्टियों द्वारा उत्तर प्रदेश में कराए जा रहे हैं दोस्तों, आपकी क्या इस पर राय, सुझाव होगी कमेंट में जरूर कहिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां बीजेपी का मैनिफेस्टो आने से पहले अपर्णा यादव का बड़ा खुलासा, योगी सरकार बनी तो महिलाओं को देंगे ये तोहफा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी रविवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो जारी कर सकती है। हालांकि मैनिफेस्टो आने से पहले हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई अपर्णा यादव ने इससे किए गए वादे का खुलासा करते हुए बताया कि 2022 में फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो महिलाओं को तोहफा मिलेगा। उन्होंने बताया कि बीजेपी ने महिला पेंशन में वृद्धि का वादा किया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, चुनावी मैदान में उतरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 7 फरवरी की जनसभा के लिए तैयार किया ये प्लान, बता दें 5 प्रदेशों में चुनावी बिगुल बज चुका है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब खुद यूपी में चुनाव प्रचार करने के लिए उतरने वाले हैं। पीएम मोदी जी 7 फरवरी को बिजनौर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। यूपी चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी को मतदान होना है, जिसे देखते हुए पीएम मोदी की सभा को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें बिजनौर में पीएम फिजिकल हाइब्रिड रैली करेंगे। इस दौरान वे 3 जिलों को कवर करेंगे। इनमें बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा जिलों की 18 विधानसभाओं को टारगेट किया जाएगा। इस दौरान चुनाव आयोग के नए दिशा निर्देशों को देखते हुए लगभग 1000 कार्यकर्ता इस रैली का हिस्सा होंगे। वहीं अन्य तमाम लोगों से पीएम वर्चुअली भी जुड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां महाराष्ट्र से बड़ी खबर, अन्ना हजारे फिर करेंगे आंदोलन। सुपरमार्केट में वाइन बिक्री के फैसले के खिलाफ सीएम उद्धव ठाकरे को लिखा पत्र। जी हाँ दोस्तों, समाज सेवी अन्ना हजारे एक बार फिर आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। इस बार वे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ हड़ताल पर बैठने वाले हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सुपरमार्केट्स, मॉल्स और किराने की दुकानों में वाइन बेचने की इजाजत दे दी है। अन्ना हजारे इस फैसले से बेहद नाराज हैं। उनका ये साफ तौर से मानना है कि इससे महाराष्ट्र में शराबखोरी बढ़ेगी। अन्ना हजारे ने अपना असंतोष जताते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र भी लिखा है दोस्तों। बता दें अन्ना हजारे ने अपने पत्र में ये चेतावनी दी है कि वे राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। इससे पहले भी अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने इस फैसले को अफसोसनाक बताते हुए कहा था कि सरकार का काम नशा मुक्ति के लिए उपाय करना है, ना कि राजस्व बढ़ाने के लिए नशाखोरी को बढ़ावा देना। उन्होंने कहा था कि महाविकास अघाड़ी सरकार के इस फैसले से निश्चित रूप से लोगों में नशे की लत बढ़ेगी। ऐसे में अन्ना जी के इस फैसले का क्या आप समर्थन करते हैं दोस्तों, क्या इनका कहना सही है, हाँ या ना में जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। बात करें अगली खबर की, जहां पर उत्तर प्रदेश में सोमवार से खुल सकते हैं स्कूल कॉलेज, आज जारी हो सकता है बड़ा आदेश। जी हाँ दोस्तों, यूपी में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट जारी है, इसको देखते हुए 7 फरवरी से यूपी के स्कूल कॉलेज फिर से खोले जा सकते हैं। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक कोई घोषणा नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक आज स्कूल खोलने को लेकर
घोषणा की जा सकती है। कोरोना केस को देखते हुए गोरखपुर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान सीएम योगी ने स्कूल खोलने को लेकर संकेत भी दिए हैं। उन्होंने कहा था कि यूपी में कोरोना केस लगातार कम हो रहे हैं, अब स्कूल कॉलेज बंद रखने की पूरे जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कितने भाई बहन जो उत्तर प्रदेश से हैं, क्या चाहते हैं आप लोग दोस्तों, क्या अभी स्कूल खुलने चाहिए या फिर थोड़ा और वेट होना चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। बढ़ते अगली खबर की तरह, जहाँ ई श्रम पोर्टल से जुड़े 25 करोड़ असंगठित कामगार रजिस्टर्ड लोगों के खाते में कब तक आएगी 1000 रुपए की अगली किस्त, हम आपको बताते हैं दोस्तों। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगार लगातार ई श्रम पोर्टल से जुड़ रहे हैं। अब तक 25 करोड़ से भी ज्यादा श्रमिक रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। ई श्रम पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट से मिल रही जानकारी के मुताबिक ई श्रम पोर्टल में सबसे ज्यादा पंजीकरण करवाने वाले राज्यों में पहले नंबर पर मध्य प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर राजस्थान, चौथे पर कर्नाटक और आखिर में गुजरात है। तो वहीं बात उत्तर प्रदेश की करें तो सरकार ई श्रम कार्ड रखने वाले श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता दे रही है। पहले फेज के तहत कामगारों के खाते में 1000 रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि इस योजना के तहत श्रमिकों को दिसंबर से मार्च तक भत्ता दिया जाना है। जी हाँ दोस्तों, अगर अगली किस्त की बात करें दोस्तों, अगली किस्त कब तक आएगी, 1000 रुपए की अगली किस्त आपके बैंक खाते में 10 मार्च के बाद ही आएगी दोस्तों। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में इस समय पंजीकृत कामगारों की संख्या 5,90,00,000 से भी ज्यादा है। और मार्च के बाद क्यों आएगी 10 मार्च के बाद, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है जिसके कारण वहां आचार संहिता लागू है, इसलिए अभी अगली किस्त नहीं भेजी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। दोस्तों आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों साथ देने के लिए, साथ रहने के लिए, और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा, अगले खबर का इंतजार करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली खबर में। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम।